नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवनकाल में जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना होने वाली है दोस्तों, इन्हें देखकर आपको अपने जीवनकाल में खुद पर यकीन नहीं होगा। बस दोस्तों, हम आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस नवरात्रि में सिर्फ एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी के जीवन बिल्कुल ही बदल ना जाए तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवनकाल में जो अद्भुत घटना होने वाली है, जी हाँ दोस्तों, ये घटना आप सभी के जीवन को बिल्कुल ही बदल कर रख देगी। और जो भी खुशखबरी आप सभी को आने वाले 3 दिनों के अंदर मिलने वाली है, जो शुभ संकेत मिलने वाली है, इन्हें देखकर, इन्हें जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। और दोस्तों, यश में घर परिवार में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इनसे जो भी बड़े बदलाव आप सभी के घर परिवार में होगा, मानो मिट्टी भी आपके घर के सोने बन जाएंगे। साथ ही साथ यश में आपकी आंखों में खुशी के आंसू आने वाले हैं। या दोस्तों, या देवी माँ आपके द्वार पर यूं ही नहीं आ रही है। दोस्तों, पिछले समय के बहुत ही अच्छे कर्म देवी माँ के ऊपर आपका विश्वास ही है, जो कि यह माँ को आपके द्वार पर खींच कर लाने वाली है। पिछले समय की आपकी सभी प्रकार की ईमानदारी, सभी प्रकार की श्रद्धा, सभी प्रकार की भक्ति आपके जीवनकाल में अब खुशियों का नया मोड़ लेकर आने वाली है। दोस्तों, अब जीवनकाल में आपको बहुत ही अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है। परंतु दोस्तों, मैं आप सभी को बता दें कि जब इतने बड़े मौके आपके द्वार पर आने वाले हैं, तो दोस्तों, ऐसे में आप कोई भी गलती ना करें और दोस्तों, इन सभी महत्वपूर्ण समयों को सही से उपयोग करें। क्यों दोस्तों, माता रानी ऐसे मौके सभी को नहीं देते हैं जिनके अच्छे कर्म और अच्छे स्वभाव होते हैं। दोस्तों, उन्हीं के द्वार पर माता रानी अपने चरण रखते हैं। जी दोस्तों, और आपके सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा से माता रानी बहुत ही प्रसन्न हो चुकी है। और दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के अंदर ही आप सभी के जीवनकाल में आप देखेंगे कि खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। जीवनकाल में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो कि पिछले कई समय से आपके जीवनकाल में चल रही है, जिनसे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, दोस्तों, वे सभी खत्म होने वाली है। बशर्ते दोस्तों, यश में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। जी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, मैं आप सभी को बता दें कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। जीवनकाल में अगर ये मौके आपको मिला है, तो दोस्तों, इनमें आप कोई भी नादानी ना करें और जो विशेष बात हम आपको बताने वाले हैं, दोस्तों, बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, यूँ कहें, अगर आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे, तो दोस्तों, अपने जीवनकाल में वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जिनकी आपने पिछले समय कामना की है। और दोस्तों, भूल से भी अगर आप वीडियो को मिस कर देंगे, थोड़ा सा स्किप कर देंगे, तो दोस्तों, जाने अनजाने में आप अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार देंगे। क्यों दोस्तों, यह देवी माँ आपकी परीक्षा भी यश में लेने वाली है। आपके यश उन पर खरे उतरते हैं दोस्तों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, वीडियो में बताई गई हर एक शब्द आप सभी के जीवनकाल में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो दोस्तों, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी सर्वप्रथम माता रानी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा भाव से जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी आपका स्वागत है जरूर लिखिएगा। दोस्तों, माता रानी आप सभी की इच्छाएं पूरी करेंगे, जीवनकाल में कष्ट आने से पहले ही खत्म करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आपको कौन कौन से संकेत मिलने वाले हैं, कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान आपको रखना होगा, साथ ही आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और पारिवारिक जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, माता रानी के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान की बात करें, जो दोस्तों, माता रानी अक्सर अपने भक्तों के जीवनकाल में या संकेत के रूप में बताते हैं। जो दोस्तों, माता रानी कहती है कि अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान मैं नहीं, तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। जी दोस्तों, और दोस्तों, यश में अगर आपके जीवनकाल में सुख आए, तो दोस्तों, बिल्कुल ही आप माता रानी को मत भूलिएगा, बिल्कुल ही अपने जीवनकाल में रहे समीप के व्यक्तियों को मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों, इनसे अहंकार उत्पन्न हो जाता है। और माता रानी अपने भक्त को हमेशा यह संकेत देती है कि जीवनकाल में कितना भी तरक्की कर लो, लेकिन अहंकार अपने अंदर आने मत देना, वरना जितना तेजी से तुम ऊपर आए हो, उतना ही तेजी से तुम नीचे भी जा सकती हो। जी दोस्तों,
दोस्तों माता रानी का यह ज्ञान या शिक्षा अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आई हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों जी के साथ बात करते हैं कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवनकाल में कौन कौन से बड़े संकेत मिलने वाले। तो आइए दोस्तों जी के साथ बात करते हैं कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवनकाल में आपको कौन कौन से संकेत मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आगे वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अगर आप एक भी संकेत को मिस कर देंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा अफसोस होगा। या दोस्तों आप सभी को बता दें कि अभी नवरात्रि का समय चल रहा है। दोस्तों ऐसे में माता रानी अपने भक्तों के जीवनकाल में बहुत ही शुभ संकेत देते हैं, जो भक्त उन्हें पहचान जाता है। दोस्तों उनके जीवनकाल में वह खुशियों को पाता है। तो दोस्तों ऐसे में आपको कौन से माँ के इशारे मिलने वाले हैं, चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों नवरात्रि के दौरान या फिर नवरात्रि के बाद में भी आपके जीवनकाल में ये घटनाएं हो सकती है। या दोस्तों आपको बता दें कि सपने में अगर आपको उल्लू दिख जाए या माँ लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का संकेत है। यानी कि दोस्तों आपको ढेर सारा पैसा मिलने वाले हैं, जो आपके जीवनकाल को बेहतर बनाएगा, जो कि आपकी आर्थिक तंगियों को दूर कर देगा और जो आपके जीवनकाल में परेशानियां लगातार पिछले समय चल रही है, पेशों को लेकर कहीं पर पेशा अटका हुआ है, दोस्तों ये सभी परेशानियां यह दूर कर देगा। तो दोस्तों अगर नवरात्रि के दौरान या फिर नवरात्रि के बाद भी अगर आपके जीवनकाल में स्वप्न में उल्लू दिख जाए तो दोस्तों ये इशारा आपको समझना है कि माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि नवरात्रि या फिर नवरात्रि के बाद में भी नारियल, हंस या फिर कमल के फूल शुभ दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि यह माँ दुर्गा की कृपा का इशारा होता है। जो दोस्तों अगर इस नवरात्रि के दौरान या फिर नवरात्रि के बाद भी नारियल, हंस या कमल के फूल जो दोस्तों सुबह सुबह अगर दिख जाए तो दोस्तों आपको समझना है कि अब आपका किस्मत चमकने वाला है। माता दुर्गा आपसे प्रसन्न हो चुकी है और आपके घर में आगमन करने वाली है। जो दोस्तों इसी तरह दोस्तों किसी भी दिन घर से निकलते ही आपको गाय दिख जाए तो दोस्तों यह बहुत ही शुभ माना जाता है। खासतौर पर मंदिर से निकलने के बाद गाय दिखे तो मान लीजिए कि माता रानी आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी करने वाली है। क्यों दोस्तों माता रानी अपने भक्तों के जीवनकाल में साक्षात नहीं आते हैं, दोस्तों वह गाय के भी रूप में आती है। जे दोस्तों इसके अलावा सपनों में पूर्णिमा का चांद, नदी, सूर्य, शिवलिंग, कन्या, मोर, दीपक, महल, फूलों की माला, रुद्राक्ष आदि दिखाई दे तो दोस्तों ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। या दोस्तों यह मंत्र के सिद्ध होने का इशारा होता है कि जो भी आपके मन में आपने माता के प्रति कुछ मंत्र पढ़े हैं, माता के प्रति आपने जो भी कामनाएं रखी है दोस्तों वे सभी पूरे होने के संकेत होते हैं। या दोस्तों जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा खुद को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते हुए दिखना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अचानक अगर आपको सपने में लगे कि आप बहुत ही बड़े इंसान बन गए हैं, सोने चांदी में आप खेल रहे हैं तो दोस्तों ये संकेत तो आपको राजा ही बना देगा कि दोस्तों माता रानी जिन पर ज़्यादा प्रसन्न होती है उन्हीं को यह संकेत मिलती है। जी दोस्तों के साथ बात करते हैं कि आने वाले 3 दिनों के अंदर देवी माता शेर पर सवार होकर आपके घर आने वाली है। तो दोस्तों आपको कौन कौन सी बड़ी विशेष बातों का ध्यान रखना है, आने वाले 3 दिनों में आपको कौन कौन से बड़े चमत्कार देखने को मिलेंगे, आपके लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर, प्रत्येक क्षेत्र में माता रानी के आशीर्वाद से कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपकी इंतजार कर रही है, जानेंगे सभी जानकारी पूरे विस्तार से। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा क्यों दोस्तों आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि दोस्तों आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों इसमें परिस्थितियां ज्यादा अनुकूल है, आत्मविश्वास और थोड़ी सी सावधानी आपके द्वारा अधिकतर काम को सुचारू रूप से संपन्न करने में सहायक साबित होंगे। दोस्तों अपने व्यवहार को और अधिक सकारात्मक और सहयोगात्मक बनाने का प्रयास आपके मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेगा। साथ ही दोस्तों यश में सावधानी को लेकर अगर बात करें तो दोस्तों यश में वित्तीय कामों में हिसाब करते वक्त किसी तरह की गलती हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों लोगों के किसी तरह का मतभेद में ना उलझें, पारिवारिक सदस्यों का भी यश में मान सम्मान बनाकर रखें, ये आपके लिए उचित होंगे। साथ ही दोस्तों आपके द्वारा किए गए हर काम को आलोचना मिलने की वजह से आपके आत्मविश्वास में थोड़ा सा कमी आप महसूस कर सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों द्वारा आपको आलोचना मिल रही है उन लोगों के प्रति बढ़ता गुस्सा आपके रिलेशनशिप पर भी इनका असर दिख सकता है। दोस्तों खुद को भावनात्मक रूप से और बेहतरीन बनाने की आप कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही दोस्तों इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे व्यस्तता के बावजूद भी आप अपनी व्यक्तिगत रुचि संबंधी कार्यों के लिए यह समय निकाल पाएंगे।
आपके किसी सराहनीय काम की वजह से आपकी योग्यता और काबिलियत की भी अशुमय तारीफ होगी। साथ ही दोस्तों विद्यार्थियों को अपना कोई प्रोजेक्ट पूरा करने में सुकून और राहत मिलेगी। दोस्तों यशमय वृक्ष की प्रवृत्ति जैसे कार्य जैसे कि जुआ सट्टा इनसे आप दूर ही रहें तो आपके लिए बेहतर होंगे, अन्यथा आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। फिजूल के खर्चे सामने आएंगे। दोस्तों यशमय संतान की गतिविधियों तथा संगत पर आप उनका नजर रखें, ये आपके लिए उचित होंगे। इसके बाद दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय को परिवार से सहमति मिल पाना यशमय थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आपकी प्रगति की वजह से परिवार को भी यशमय आनंद प्राप्त होगा, लेकिन दोस्तों जिस तरह की सोच विचार आप रख रहे हैं उनकी वजह से आपके प्रति चिंता भी बढ़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं जो कि आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ने से काफी आपकी पहचान इसमें बन सकती है। दोस्तों किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भी आपको बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों यशमय व्यस्तपूर्ण दिन रहेगा जिसकी वजह से थकान और चिड़चिड़ापन भी आपको महसूस हो सकते हैं। दोस्तों दूसरों की जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेना आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है, इसलिए दोस्तों अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों भूतकाल से जुड़ी बातों को बार बार याद करने से केवल आपको तकलीफ ही हो सकती है। इसके बाद दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों कुछ समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां यशमय उनमें सुधार आएगा और आप अपने रुके हुए सभी कार्यों को निपटाने में भी अपना को ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। और दोस्तों यशमय किसी मित्र का सहयोग भी आपकी दिक्कतों को कम करने में आपका मदद करेगा, परंतु दोस्तों यशमय किसी भी प्रकार के बात की स्थिति से आप दूर रहें, अन्यथा आप शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। कोर्ट के संबंधी किसी भी कार्य को यशमय स्थगित रखें। विद्यार्थी वर्ग जो है व्यर्थ की बातों में पढ़कर अपने करियर के साथ खिलवाड़ न करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। शादी दोस्तों घर और व्यक्तिगत बातों के बारे में निर्णय न ले पाना या फिर लिए हुए निर्णय पर कायम न रह पाना आपके प्रगति को रोक रहा है। दोस्तों यशमय युवाओं को मानसिक तकलीफ का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों निर्णय लेते समय किसी का मार्गदर्शन लेना आपके लिए बेहतर होंगे, तो दोस्तों इन पर आप जरूर जो है सहायता लें, लेकिन दोस्तों आप अपने बलबूते पर या फिर अपने योग के तरीके पर ही विश्वास करें, ये भी आपके लिए बेहतर। दोस्तों निर्णय लेते समय किसी का भी मार्गदर्शन ना मिल पाना आपके लिए तकलीफदायक होगा, लेकिन दोस्तों आप अपने बलबूते पर योग्य निर्णय लेने में भी काबिल हैं। दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों का पूरा आपके ऊपर सहयोग रहेगा। दोस्तों उन पर विश्वास बनाकर रखना जो है उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करेगा। दोस्तों यशमय नौकरी पेशा लोगों को सरलता से कोई टारगेट हासिल हो सकती है, परंतु दोस्तों किसी भी अनुचित काम में ध्यान न दें, कोई इंक्वायरी होने की भी संभावना बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे। दोस्तों यशमय आपके राजनीतिक संबंध व्यवसाय में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं। सोशल मीडिया और पब्लिक रिलेशन संबंधी कामों पर भी ध्यान दें। युवाओं को करियर संबंधी कोई नया अवसर मिलने से तनाव से आप मुक्ति पाएंगे। दोस्तों नौकरी में भी छोटी मोटी परेशानियां आ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे। दोस्तों कार्य क्षेत्र में कर्मचारी पर जो है निर्भर ना रहकर खुद की गतिविधियों पर निरीक्षण करें। दोस्तों यशमय काम में बदलाव संबंधी कोई महत्वपूर्ण फैसला भी लेना पड़ सकता है। राजनीतिक से जुड़े लोगों के साथ जो है संपर्कों को मजबूत करें, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों कार्य क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी और दोस्तों अपना अधिकतम समय मार्केटिंग तथा प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ाने में लगाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों चिट फंड संबंधी कंपनियों में किसी तरह का निवेश करने से यशमय बचें, ये आपके लिए बेहतर होंगे क्योंकि दोस्तों इनमें आप ठगे भी जा सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों यशमय व्यस्तता की वजह से दाम्पत्य तथा प्रेम संबंधों के लिए समय आप नहीं निकाल पाएंगे, जिसकी वजह से आपको जो है नाराजगी झेलने भी यशमय पड़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय इम्यून सिस्टम को और अधिक स्ट्रांग बनाकर रखें। वर्तमान नकारात्मक वातावरण से अपना बचाव रखना भी आपके स्वास्थ्य के लिए यशमय बेहतर होंगे।